जो आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाला, क्योंकि ये बहुत कीमती समय है ना। अगर हम 10 मिनट भी एक वर्कर का खर्च करते हैं तो हम कितने घंटे यहाँ बिता रहे हैं। वो बिताने का पर्पज है, क्या पर्पज है कि हर आदमी को मोटिवेशन मिलना चाहिए, तो जागरूकता होनी चाहिए, प्रोत्साहित मिलना चाहिए। तो प्रोत्साहन जब मिलेगा तो आदमी लगन से काम करेगा, यही होगा ना। मुझे अगर ये दिखता है कि हमारे क्लास में 100 बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर पहले 3 बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं ना, पहले 3 नंबर पर, अगर वो लोग पहले 3 नंबर पर आते हैं तो और बच्चों का भी मन करता है अगली बारी मैं भी ज्यादा मेहनत करूं। होता है कि नहीं होता है सर? होता है। बताइए सर क्या कमी रह गई? कमी एक रह गई सिर्फ हम लोग लास्ट में। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों फाइनली जो है आज हमारा भाई बताएगा ये सब कैसा, देख सकते हैं यहाँ पे कुछ प्रोग्राम जैसा कुछ व्यवस्था बना है, ये बताएगा क्या है प्रोग्राम। मोटिवेशनल प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है जिससे लेबर को मोटिवेट किया जा सके, वो अपना पीपी फुल बॉडी हार्नेस होता है वो यूज करे प्रॉपर, जिससे कि किसी के साथ दुर्घटना होना हो और दुर्घटना से बचा जा सके, और उसके बारे में बचने की क्या क्या उपाय हैं, कैसे। हाँ, सब कुछ आज जो है वही प्रोग्राम में बताया जाएगा और सबको इनाम दिया जाएगा, गिफ्ट भी दिया जाएगा जिससे वो मोटिवेट रहें और सेफ्टी से काम करें। तो ये हम लोग जो है प्रोग्राम इसलिए मोटिवेशन प्रोग्राम रखते हैं, हर मंथली में प्रोग्राम होता है हर दिन। तो देख सकते हैं यहाँ पे सबको बैठने के लिए कुछ इस तरीके से ये ग्रीन नेट लगा दिया गया है, और यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा बेड, मतलब ये साइनिंग बोर्ड लगा दिया गया, और यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है माइक, यहाँ पे देख सकते हैं साउंड है जिससे कि बोला जाएगा लोग सुनेंगे। तो ठीक है, तो गाइस फाइनली अब चल रहे हैं ऑफिस में। ऑफिस में सब सारे गिफ्ट जो है रखा हुआ है, लेके आएंगे वहाँ पे रखने के लिए। तो देख सकते हैं हमारे साथ ये बंदा है और पीछे 2 बंदे आ रहे हैं लेके चलने के लिए। तो फाइनली जो है ऑफिस में अपने पहुँच गए, तो उसको बुलाओ उधर से। आपको हम दिखाएं ये लॉकर जिसमें सभी गिफ्ट देख सकते हैं यहाँ पे रखा गया है, इसको निकालते हैं और फिर इसके बाद बंदे को देते हैं, लेके जाएंगे। इधर देते हैं पहले, भी है नीचे भी है। तो दोस्तों फाइनली जो है हमने कैप निकाल दिया अपना, गर्मी लग रही थी, पूरा चुनचुना रहा था, इसकी वजह से जो ठंडी वाला कैप था उसको निकाल दिया। फाइनली चल रहे हैं साइड पे जहाँ पे प्रोग्राम होने वाला है। आपको बता दें जितना भी अरेंजमेंट है हम सेफ्टी वालों को ही करना है दोस्तों। तो अब जा रहे हैं लाने के लिए, जो जिसे खड़ा होकर जब बोलते हैं टेबल से नहीं बना रहता है दोनों साइड, इधर गैप से चलो दिखाते हैं, वही लाने जा रहे हैं। फाइनली 2 बंदे पीछे हैं आ रहे हैं, यही वाला लेके जाना है। तो बंदे पहले से ही आ गए थे ले जाने के लिए, और हमारे सेफ्टी वाले सर भी आ गए थे जो कि ले जाने के लिए, फिर भी हम आ गए। उधर ही चलो पीछे से, प्रोग्राम चालू हो गया है, देख सकते हैं सभी लेबर भी आ गई है। जो आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाला, क्योंकि ये बहुत कीमती समय है ना। अगर हम 10 मिनट भी एक वर्कर का खर्च करते हैं तो हम कितने घंटे यहाँ बिता रहे हैं। वो बिताने का पर्पज है, क्या पर्पज है कि हर आदमी को मोटिवेशन मिलना चाहिए, जागरूकता होनी चाहिए, प्रोत्साहित मिलना चाहिए। तो प्रोत्साहन जब मिलेगा तो आदमी लगन से काम करेगा, यही होगा ना। मुझे अगर ये दिखता है कि हमारे क्लास में 100 बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर पहले 3 बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं ना, पहले 3 नंबर पर, अगर वो लोग पहले 3 नंबर पर आते हैं तो और बच्चों का भी मन करता है अगली बारी मैं भी ज्यादा मेहनत करूं। होता है कि नहीं होता है? होता है। तो बस ये जो प्रोग्राम करने का कारण भी वही होता है कि अगर चाहे गिने चुने आदमियों को हम लोग प्रोत्साहित करते हैं, प्रोत्साहित करने का कारण पूरे प्रोजेक्ट को कि और लोगों को भी, अभी जैसे अभी हमारे वासुदेव जी ने आपको बताया कि हम लोग यहाँ पर रेसेस में 11 लाख घंटे सेफ मैन आवर्स बहुत अच्छे से विदाउट एनी मेजर एक्सीडेंट के हम लोगों ने यहाँ काम किए, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। टोटल हमारे वैली गार्डन में अभी तक 30 लाख घंटे हम लोग काम कर चुके हैं जो अदर कॉन्ट्रैक्टर मिला करके, तो 30 लाख घंटे सेफ मैन आवर्स। अगर आपको देसी भाषा में बताऊं तो मैं सुबह साइट पे आता हूं, मेरी हाजिरी लगती है ना, सभी वर्कर की लगती होगी, कोई 12 घंटे काम करता है, कोई 10 घंटे काम करता है, कोई 14 घंटे भी काम करता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मैं साइट पे आ रहा हूं तो मेरे एक एक घंटे का हिसाब किताब रख रहा है मेरा सेफ्टी वाला, और ये सच्चाई है। आपके जो वासुदेव जी हैं या पूरे सेफ्टी टीम है, ये पूरे महीने में हिसाब किताब निकालते हैं कि एक वर्कर ने कितने घंटे काम किया। तो ये गिना जाता है कि हम लोग प्रोजेक्ट शुरू से प्रोजेक्ट खत्म तक कितने घंटे
किसी मेजर एक्सीडेंट के अचीवमेंट है, ये बहुत बड़ी हमारी। तो भगवान करे कि कोई भी ऐसा एक्सीडेंट ना हो, अगर हो भी जाते देखो कंस्ट्रक्शन साइट होता है ना, ये रोड पे चल रहे हैं, व्हीकल चल रहे हैं, एक्सीडेंट तो होते ही है। ऐसा तो नहीं है कि कोई आदमी ऐसा है कि मैं तो सुरक्षित हूं अपनी गाड़ी में पर सामने वाला शराब पी करके मुझे मार, हो सकता है नहीं हो सकता, हो सकता है। तो ये कंस्ट्रक्शन साइट है, मेरे से गलती नहीं हो सकती, हो सकता सामने वाले से हो जाए, वो सामने वाला भी कोई जानबूझ के नहीं करेगा। अभी बीच में एक हादसा हुआ तो सबने मेहनत करी, सबने मेहनत करी, बहुत बड़ी अचीवमेंट थी वो, उसमें हमारी एक एकता दिखाई दी कि कैसे एक आदमी की जान बचाने के लिए सब लोग जुट जाते हैं, जुटते हैं ना, स्टाफ से लेके मैनेजर से लेके वर्कर तक सब लोग वहां इकट्ठे हो गए सिर्फ एक जान को बचाने के लिए। ये होता है हमारी एकता भाई, अगर एकता है ना, लोग एकजुट है तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। किसान वाली एक कथा थी, उसमें क्या होता है कि किसान की कहानी में वो लकड़ी के ना, सुना होगा कहीं ना कि लकड़ी का ढेर वह बांध देता हो, कहना पहले एक सिंगल लकड़ी तोड़ के दिखाओ, वो एक ना ही दो मिनट में तोड़ देते हैं बेटे उसके, या पूरा गुट जो था उसको बोला तोड़ने के लिए वो नहीं तोड़ता। हार्द क्या उसका यही तो है कि अगर एक जुट होता है आदमी तो सुरक्षित काम भी होता है, प्रोडक्टिविटी भी अच्छी होती है कंपनी। तो ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा, बस मेरा यही कहना है आप लोगों से कि एक दिमाग के अंदर एम होना चाहिए अपने परिवार को लेकर, किसी से प्यार मत करो, अपने बच्चों से तो प्यार करता है आदमी, अपने माँ बाप से तो प्यार करता है, अपने साथ वाले से मत प्यार करो, पर उनके बारे में तो सोचो। अरे एक भी आदमी को खड़ा होकर बोले सर मेरा हाथ नहीं है और मैं यहाँ साइड पे काम कर रहा हूं, कोई ऐसा आदमी है यहाँ पर? और अगर ऐसा आदमी कोई होगा क्या उसको नौकरी मिलेगी? चाहे मैं भी क्यों ना हूं, मेरी लात टूट जाए हाथ टूट जाए तो डीएलएफ वाले मुझे रखेंगे नहीं, और ये सच्चाई है। तो ये जो भगवान ने हाथ और दिए है ना पैर, तो ये एक ही बारी मिले हैं, ये बच्चे की दांत की तरह नहीं है, टूट गया और दोबारा आ जाएगा, कितना मर्जी मजबूती बनवा लेना दोबारा नहीं। काम को रखना है साथ साथ सेफ्टी को भी ध्यान रखना, जैसे आए हैं वादा करके वैसे सुरक्षित घर जाना, ये सबके मन के अंदर होना चाहिए। सेफ्टी वाले रखे हैं 10-15 रखे हुए हैं यहाँ पर, किसके लिए रखे हैं, किसके लिए रखे हैं बताओ आप सबके लिए रखे हैं, हमें भी आपके लिए रखा, अगर आप नहीं काम करोगे तो हमारे रहने का कोई फायदा ही नहीं। तो अगर हम बोलते हैं ना कभी बुरा मत मानना यार, हम सब लोग भी आपके जितने इंजीनियर हम उनको बोलते हैं वो कुछ नहीं बोलते, उनको पता है सेफ्टी का महत्व क्या है। तो वैसे ही जितने मेरे भाई हैं, एम बना के चलो, एक होना चाहिए दिमाग में कि मैं आज सुबह धूपी से बाहर निकल के ना यही दिमाग में रखे प्रभु मैं आज जा रहा हूं काम पे, शाम को वैसे ही वापिस में, एक एक श्वास कीमती है ना। तो सबके साथ में, सबको साथ में लेके मेरा सिर्फ यही एम है कि जीरो एक्सीडेंट, समझ रहे हो ना, जीरो एक्सीडेंट मतलब सुरक्षित गए और सुरक्षित करवा, ठीक है भाई। तो सब लोग एम बना के चलो हम सुरक्षित घर का, धन्यवाद। मैं कुछ फिर इसमें थोड़ा सा उसमें ऐड करना, ये जो हमारे लाइफ जिसे जीवन जिसे हम कहते हैं, ये सबसे पहले बहुत अमूल्य है। मैं हम हर मीटिंग में ही बोलता हूँ इसकी वैल्यू को पहचान, और ये प्रॉपर्टी जो है ना ये हमारी नहीं है, ये हमारे परिवार की, ये शरीर ये है ना हमारा, ये हमारे परिवार की प्रॉपर्टी, हम सुरक्षित हैं तो सब ठीक है। वही फिर से इन बात, हमारा शरीर तंदुरुस्त है, स्वस्थ है, शरीर चल रहा है, रोजगार की कोई कमी नहीं, कहीं आज हमें कुछ हो जाए कोई लाइक नहीं करेगा, घर के भी लाइक नहीं करेंगे, महीना बाद 40 दिन 50 दिन उनमें भी फर्क आने लगे। तो आप इस जो अमूल्य जीवन है ना इसकी वैल्यू को पहचानो, और कसम खाओ कभी भी कोई असुरक्षित कार्य ना करे, कभी भी ऐसा कोई कार्य ना करे जिससे हमारा इस बॉडी को कुछ हार्म ना। और ये सुरक्षा ऐसा नहीं है कि हमारी साइड पे जब हम घर से चलते हैं तभी से हमारे साथ साथ चालू हो जाए, हर एक पहलू में। और ये सुरक्षा का एक सेकंड का फर्क होता है, हमने कहा जाए तो हेलमेट मैंने अभी उतारा था, अरे वो आपसे पूछ के थोड़ा ना कोई आएगी, कोई प्रॉब्लम कुछ गिर रहा है वो हमारे से पूछ के नहीं आएगा कभी भी, भाई चाहे कुछ भी हो। तो आप लोग
ने बहुत बढ़िया अभी तक अच्छी तरह से फॉलो किए हैं सेफ्टी का जो भी है, तभी इतने सेफ मैन आज इन्होंने बताए हैं, सुरक्षित हमने अचीव किए हैं। अभी पीछे मैंने एक उदाहरण देखा, अभी पीछे SSTL पर मैं बहुत बढ़िया वो जो अभी हमारा एक इंसिडेंट हुआ था, एक फंस गया था एक लड़का हमारा, ऐसे आप सब लोगों ने टीमों ने एक बार जोरदार तालियां सब बंद कर दी। आगे से आगे अभी हम लोग प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करेंगे, तो हम जिसका नाम बोलेंगे वो आके प्राइज कलेक्ट करें। सबसे पहला है संतोष, कारपेंटर है। तो दोस्तों फाइनली जो है अच्छे से प्रोग्राम हो गया कंप्लीट जैसा कि आपने देखा, और सबको मिठाई भी स्वीट भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अभी देख सकते हैं इतना बचा हुआ है, जो हमारे देख सकते हैं कोई कोई बंदा आ रहा है तो उसको भी डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है, और लास्ट में सर से मिलवाते हैं आपसे। बताइए सर क्या कमी रह गई? कमी एक रह गई सिर्फ, हम लोग लास्ट में ग्रुप फोटो नहीं ले पाए, जो जिसको गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट किया गया उनका ग्रुप में फोटो नहीं लिया गया, यही कमी रह गई बस। चलिए अगली बार ट्राई किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज का ब्लॉग इसी पे एंड करते हैं। आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, अपने दोस्तों पास शेयर करिएगा, घर परिवार पास शेयर करिएगा, जिससे सब लोग जो है अच्छी अच्छी बातें सीखे जो सिविल लाइन में काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन में काम करते हैं, जिससे हादसे कम हो और फिर इसके बाद आपका परिवार जो है सेफ रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे।